हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रेडिबल इंडिया। मैं हूं नफीसा खान। तो आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूं और वो क्या है वो जल्दी से बताने वाली हूं। खैर, मैं अब ज़्यादातर आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ी रहती हूं, जो भी कुछ करती हूं वो आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि विंटर चल रहे हैं तो विंटर में अक्सर इसकी ज़रूरत होती है। तो सब सोच रहे होंगे ऐसा क्या है। विंटर में ज़्यादातर सब हीटर वगैरह के ही सोचते हैं, क्योंकि ठंड ख़त्म करने के लिए ऐसे ही चीज़ को सोचते हैं। तो आज मैं आपको एक दूसरे प्रोडक्ट से रूबरू करवाने वाली हूँ। तो मैंने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है वो मैंने बाय किया है, और कहाँ से बाय किया है कहाँ से नहीं वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगी। इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो दिखाती हूँ, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराती। तो ये देखिए, तो जी हाँ, मैंने नोवा का लिंट रिमूवर जो है मैंने बाय किया है। ये ऑर्डर किया था मैंने ऑनलाइन, और ये बहुत अच्छा है, मैंने इसके बारे में सुना है। लेकिन क्या इसका जो वर्क है वो रियल है या नहीं, वो मैं आपके सामने ही शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने अभी इसे यूज़ नहीं किया है। क्योंकि मैं चाहती थी आपके सामने ही इसका रिज़ल्ट देखना कि ये काम करता है या नहीं, क्योंकि इसके रिव्यू ना बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो ये किसके काम आता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो लिंट रिमूवर है, तो ये अक्सर जैसे हमारी जर्सी होती हैं, स्वेटर्स होते हैं या चादरें वगैरह होती हैं, उन पर रुएं हो जाते हैं ना, ये उसे ख़त्म करने के काम आता है। तो अक्सर मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, मेरे पास बहुत सारी जो भी जर्सियां वगैरह हैं, चादरें हैं जो वूलेंस की होती हैं हमारी, क्या होता था ना कि उस पर रुएं हो जाते हैं। तो हो गए, मतलब मैंने तो अभी तक यूज़ नहीं किया इसलिए मुझे ज़्यादा अभी इसका पता नहीं है। तो मैंने इसे ज़्यादातर रिव्यू में देखा, लोग बाग इसका यूज़ कर रहे थे और जो कि ये काम कर रहा था, तो मैंने सोचा इसे मुझे भी ऑर्डर करना चाहिए और मुझे देखना चाहिए कि क्या वाकई में ये काम करता है। तो मेरी जो स्वेटर्स हैं, कार्डिगन्स वगैरह हैं, उन पे रुएं हुए हुए हैं, और जो बेडशीट्स वगैरह थी वुलन्स की उन पे भी हुए हुए थे। तो मैंने सोचा चलो हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या पता ये काम कर जाए और हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाए। तो मैं दिखाती हूँ कि जो मेरी स्वेटर है ना उस पर देखो कैसे रुएं हुए हुए हैं, ऐसे ना सारे रुएं हुए हुए इस पर। और मैं अब इसका ना यूज़ करूँगी और देखती हूँ कि इसके रुएं जो हैं वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो इसका रिज़ल्ट मैं आपके सामने आपको करके दिखाऊँगी। तो चलिए गाइज, मैं इसे ओपन करती हूँ और देखते हैं अंदर से हमारा प्रोडक्ट कैसा निकलता है और क्या क्या निकलता है इसके साथ में। तो मैंने ना ये रिचार्जेबल नहीं लिया, ये डायरेक्ट जो कि हम स्विच में लगाते हैं उससे चलता है। ये दोनों तरह से आता है रिचार्जेबल, मतलब इसमें सेल वगैरह भी यूज़ होते हैं और नहीं भी, तो ये ऐसी भी आती हैं। तो मैंने ऐसा नहीं लिया है। ये देखिए, और ये, और इसके अंदर ना एक ये छोटू सा ना ब्रश भी निकला है, ये छोटू सा ब्रश निकला है इसके अंदर, और ये इस तरह से यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें ये ऐसे ढक्कन है, ये कैसे ओपन नहीं, ओके ये ऐसे ना खुल जाता है। और ये यहाँ पे इसका काफ़ी लंबा तार है जो कि ऐसे प्रॉब्लम नहीं करता, आप दूर भी बैठे हो तो स्विच में लगा के आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं लगा देती हूँ स्विच में अपने। तो ये इस तरह से इसमें ना लाइट ऑन हो जाती है और इसे ऐसे पुश करते हैं ऐसे, ये देखो ऐसे ना चलता है ये। तो अब मैं इस पर वर्क करूँगी कि ये मेरे स्वेटर्स के यानी कि मेरी कार्डिगन्स के रुएं हटाता है या नहीं हटाता है। मशीन को ट्राई करूँगी और देखेंगे कि क्या इस पर से ये रुएं गायब होंगे या नहीं। काम कर रहा है, वाओ
यही पास से नजर आया ना, इस पे कितने सारे रुए थे जो कि निकल गए और यहाँ भी थे साइड में, तो वो भी मैंने करे। अब वैसे इसके ऊपर बहुत सारे हैं, मैं इन्हें सबको क्लीन करूँगी। तो मेरा जो कार्डिगन है ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट कार्डिगन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा है ये। तो मैं इसके सारे रुएँ हटाने वाली हूँ और इसे यूज़ करने वाली हूँ, जो कि इसने अच्छा काम किया। तो आपने देखा, बाकी मैं और भी, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने कहीं के हटाए हुए आपको दिखाएं, तो ऐसा नहीं है। बट पता है प्रॉब्लम क्या होती थी, हटाने को हम लोग हाथ से या रेज़र से इसे हटा सकते थे। मैं अक्सर क्या होता था, पहले मेरे पास एक दो कार्डिगन जो थे ना, तो मैं उसे ना रेज़र से ऐसे हटाती थी, तो मेरा कार्डिगन कट गया, और वो कटने की वजह से फिर वो अजीब सा लगता था, तो बेकार हो गया था। या फिर अक्सर ऐसा होता है ना, हम हाथ से ऐसे ऐसे एक दो ऐसे कर करके इन्हें निकालेंगे, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा और उस अच्छे से जो क्लीन नहीं होगा ये। तो फिर बस मैं एक दिन ऐसी ही वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे ये दिख गया वहाँ, तो कोई मतलब किसी ने डाला हुआ था इसका रिव्यू, और मैंने सोचा चलो मैं भी इसे ऑर्डर करती हूँ। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और ये मुझे मतलब उसमें ना अलग अलग प्राइस थे, मतलब आपको जब किसी भी साइट पे देखोगे तो आपको अलग अलग इसके प्राइस दिखाई देंगे, मीशो पे, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, शॉपसी पे, तो हर जगह इसके अलग अलग प्राइस हैं। तो मैंने इसे मीशो से ऑर्डर किया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मीशो से ही शॉपिंग करती हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैं अक्सर जब भी कोई प्रोडक्ट का देती हूँ रिव्यू, तो अक्सर सब ये ना सोचें कि मैं किसी प्रोडक्ट का या किसी ऐप का प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। जो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है और जहाँ से मुझे सस्ता लगता है, मतलब लगता है कि भाई रीज़नेबल प्राइस है, तो मुझे वहाँ से बाय करना चाहिए, तो मैं वहाँ से बाय कर लेती हूँ। अगर शॉपसी पर अच्छा लगता है तो वहाँ से कर लेती हूँ, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना अच्छा लगता है, वहाँ पे सस्ता मिलता है, तो वहाँ से कर लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है ना, एक हाउसवाइफ हमेशा पैसे बचाने पर लगी होती हैं, तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने ये मीशो से ऑर्डर किया है, और मैं आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, एंड मीशो ऐप का भी जो लिंक है वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप से, मतलब वहाँ पे जो लिंक होगा ना, उससे आप इस पे जाके देख सकते हैं कि कितने का है, क्योंकि हो सकता है अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्जेस लगे हुए होते हैं। तो मैंने तो इसे 389 का ख़रीदा है, अगर बाहर कितने का आता है कितने का नहीं, या किसी साइट पे कम का है या ज़्यादा का है, ये मुझे नहीं पता, आप एक बार देख सकते हैं। बट मुझे ये सही लगा, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग जो काम किया है वो भी बहुत अच्छा है। बाकी मैं इसे आपको एक दो जगह और चला के दिखा देती हूँ, क्योंकि ना मैं यहाँ पे इसे पूरे पे करने वाली हूँ, और फिर इसे मेरा जो कार्डिगन है, मेरा मोस्ट फेवरेट कार्डिगन, बिल्कुल न्यू हो जाएगा। इसे पूरा क्लीन करके मैं इसे पहन के दिखाऊँगी आपको, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है, तो आप इसे ज़रूर बाय करें, क्योंकि सर्दियों में ये काम आने वाली है। इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप मीशो से, शॉपसी से, फ्लिपकार्ट से, जहाँ से भी बाय करना चाहते हैं वहाँ से बाय कर सकते हैं। बाकी ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा कैसा नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर आप भी इसे बाय करना चाहते हैं तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और ये वीडियो मेरी कैसी लगी कैसी नहीं, क्योंकि काम की चीज़ बताइए, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, और ये ज़रूर आपके काम आएगी, क्योंकि सर्दियों में अक्सर ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि हमारे कार्डिगन्स वगैरह जो कि ऐसे रुओं की वजह से ना ख़राब लगते हैं। तो अब हमारे जो भी कार्डिगन्स या बेडशीट्स वगैरह हैं वो ऐसी ख़राब नहीं होने वाली है, हम उन्हें क्लीन करने वाले हैं बिल्कुल, और इस लिंट रिमूवर से, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप भी अगर इसे बाय करते हैं तो आपको भी ये अच्छा लगेगा, और कैसा लगेगा कैसा नहीं, अगर आप जब भी इसे बाय करें तो मुझे यहाँ पर जब भी कभी वीडियो आप देखें, कभी भी आप इसे बाय करते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ या और भी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, अल्लाह हाफिज़।